नमस्कार, आज योग शिक्षा के अंतर्गत पूर्व में किए गए प्रदर्शन के बाद आज की जो क्रियाएं हैं हाथ से संबंधित है, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम। जैसे कि पूर्व में आप लोगों ने देखे हैं, सिर से लेकर हाथ तक की कुछ क्रियाएं किए हैं, जिसमें 16 तक की क्रियाएं हमने पूर्व क्लास में बता चुके हैं। आज जो है 17वां से शुरू करना है। क्रिया नंबर 17, ये क्रियाएं जो है आप प्रार्थना सभा में बिना मैट दरी के एक साथ बच्चों को सामूहिक रूप से करा सकते हैं। इसमें 16 तक की क्रियाएं का प्रदर्शन आपको पूर्व क्लास में किया गया है। आज हम 17 से स्टार्ट करते हैं। 17 क्रिया नंबर है मणि बल शक्ति का सर। जितनी क्रियाएं हैं हाथ को पुष्ट बलिष्ठ बनाने के लिए है। सबसे पहले हम आज आपको बता रहे हैं मणि बल शक्ति का सर, क्रिया नंबर 17 यौगिक सूक्ष्म व्यायाम। तो समपाद अवस्था में खड़े रहेंगे अपने स्थान पर और अंगूठा को छिपाकर मुट्ठियां बंद करते हैं। दोनों हाथ कंधे के समानांतर इस प्रकार से, फिर जमीन के समानांतर फैला करके दोनों कंधों को बराबर अंतर रखते हैं। गर्दन भाग नीचे की ओर श्वास भरते हुए खींचते हुए कलाई को ताकत के साथ धीरे धीरे नीचे ऊपर ले जाते हैं। श्वास छोड़कर कलाई को ऊपर से नीचे की ओर लाते हैं। देख लीजिए, क्रिया करके दिखा रहे हैं। बड़ी मन शक्ति विकासक करेंगे। बोलते मणि, श्वास छोड़ते हुए नीचे करना है, श्वास लेते हुए ऊपर। विद्यार्थियों के लिए हाथ को पुष्ट मजबूत बनाती है क्रिया जो है। इसके भाग है का, नेक्स्ट भाग का देखिए। इसमें अंगूठा छिपा करके मुट्ठी बंद रखते हैं, दोनों हाथ को कंधे के बराबर समानांतर रखते हैं और हाथों को कंधे के बराबर रख करके कर्तन भाग नीचे की ओर देखिए नीचे है। उसके बाद ताकत के साथ नीचे ऊपर जिस प्रकार सामने की उसी प्रकार से करेंगे। श्वास लेते ऊपर ले जाते हैं, छोड़ते हैं नीचे। ये विद्यार्थियों के लिए कोई भी हाथ जाए जो करते हैं हम सब, ये हमारी कर्मेंद्रिय है हाथ, तो हाथ में काम करने की क्षमता से बढ़ता है और हाथ पुष्ट मजबूत होती है। 8 से 10 बार कर सकते हैं या समाप्त करें इस प्रकार से। तो पहले सबसे पहले हमने किए मणिबंध, ऐसे ऊपर से नीचे हाथ फैलाकर, दूसरे में खा भाग में इस प्रकार। ये क्या है, यथासंभव 10 बार 15 बार आप कर सकते हैं। रिलैक्स, लाभ मैं एक साथ बताऊंगा। अगली क्रिया है क्रिया नंबर 18, कर पृष्ठ। इसको हम बोलते हैं कर पृष्ठ, सामने वाले भाग कर पृष्ठ है, ये कर। तो कर पृष्ठ में क्या करेंगे, उंगली से हटाकर रखेंगे, पृष्ठ भाग में तनाव होगी तो हाथ सीधा रखते हैं इस प्रकार से। दोनों हाथ कंधे के समानांतर जमीन के बराबर फैलाते हैं इस प्रकार। फिर श्वास खींचकर हथेली को ताकत के साथ नीचे ऊपर ले जाते हैं। श्वास छोड़कर हथेली को धीरे धीरे ऊपर से नीचे ले जाएंगे। इस क्रिया को 5 बार या 10 बार यथा संभव कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्रिया कर पृष्ठ शक्ति विकासक क्रिया नंबर का। हाथ बराबर सटा के रखते हैं क्रिया, श्वास छोड़ते नीचे लाएंगे, श्वास लेते ऊपर, पृष्ठ भाग में तनाव अनुभव करेंगे, श्वास लेते ऊपर लाए। रिलैक्स, क्रिया नंबर पृष्ठ शक्ति विकासक क्रिया नंबर खा।
इसे इस प्रकार हाथ को रख करके करते हैं, भुजा के बराबर रखेंगे, सीने के सामने जमीन समांतर फैलाए, कर्ता भाग नीचे पिछले सूर्य कर्ता समांतर फैलाए, इस प्रकार आप देख रहे हैं पृष्ठ भाग में तनाव हो रहा है। पांच बार 10 बार यथासंभव कर सकते हैं। फिर संपाद अवस्था में आ जाते हैं। क्रिया नंबर था 18 दो भाग, क्रिया नंबर 17 के दो भाग, अब क्रिया नंबर 19 में आते हैं अपन। कर्तल शक्ति विकासक, इसे बोलते हैं कर्तल, इसको तनाव देने, इसमें तनाव पड़े ऐसे क्रिया है, इसके लिए उंगलियों को फैला कर करते हैं, उंगलियां जो है सटा के किए कर्तपृष्ठ में और कर्तल में उंगलियां फैला कर करते हैं, दोनों हाथ उंगलियां फैलाकर कंधों के सामने सामने हाथ को जमीन के समानांतर रखते हैं, और कर्तल भाव को नीचे एवं ऊपर की ओर सांस खींचते हुए ले जाते हैं। सांस भर ऊपर ले जाए, पूरा तनाव होना चाहिए उंगलियों। रिलैक्स, वैसे क्रिया यथा संभव है फिर भी कम से कम 5 बार से 10 बार करना चाहिए। क्रिया नंबर खा, इसी में कर्पृष्ठ कर्तल शक्ति विकासक भाग खा, इसमें भी इसी प्रकार अवस्था में रहेंगे, दोनों हाथ को कंधे के बराबर रखेंगे और क्रिया उसी प्रकार श्वास तल भाग जमीन के साथ तल जमीन की ओर रखेंगे और श्वास भरते ऊपर ले जाएंगे, श्वास होते नीचे। क्रिया स्टार्ट करते हैं। रिलैक्स, ये था कर तल शक्ति विकासक क्रिया नंबर। अगली जो है फिर हम आते हैं दूसरी क्रिया करने के लिए, अंगुली शक्ति अंगुली मूल शक्ति विकासक। अंगुली मूल, अंगुली मूल का मतलब होता है अंगुली जो रूट है जड़ है उसको हम अंगुली मूल बोलते हैं, जहां से उंगलियां निकली है वो रूट जड़ स्थान है, इस प्रकार पेड़ जड़ होता है उसी प्रकार हमारे उंगलियों का भी जड़ भाग है, जिसमें दोनों हाथ की कलाइयों को इस प्रकार रखते हैं और हाथ को कड़ा करते हुए कंधों के सामने जमीन समतल फैलाते हैं, पूरा फैलाएंगे, हथेली को ढीला छोड़ते हुए कर्तल भाग जमीन की ओर रखें और श्वास रखते हुए उंगलियों को ताकत के साथ 10-15 बार आगे पीछे जाते हैं। पूरी ताकत लगा रहे, इस प्रकार लाते हैं जड़ भाग। यह समान अगली क्रिया है, अब इसे भाग खा। हर क्रियाओं में दो भाग है, अभी जो हम कर रहे हैं हाथ की क्रियाओं में देखिए, भुजे के बराबर दोनों हाथ को रखते हैं और फिर उसी प्रकार इस क्रिया को उस प्रकार खिला, उंगलियों को रूट को जड़ स्थान में हिलाते हैं। रिलैक्स, इस क्रिया के करने से सत्रह से 21 तक की क्रियाएं जो है आपके, इससे आपको समझ में आ रहा है करने से हमारी हथेलियां पुष्ट होती हैं, शक्तिशाली होता है, शरीरों को ये अभ्यास कराया जाता है, हम विद्यार्थियों के लिए है, विद्यार्थी भी हाथ से ज्यादातर काम करते हैं तो हाथ
कुछ तो मजबूत होता है। इससे मनोवाही नाड़ियां प्रभावित होती है जिससे शरीर और मन एकाग्र होकर आध्यात्मिक उन्नति होता है। हाथ का कंपन ठीक होता है, जोड़ों में दर्द मिटता है। जो टाइपिस्ट हैं, टाइपिंग करते हैं, कंप्यूटर चलाते हैं, ऐसे साधक के लिए बहुत उपयोगी क्रिया है हाथ की क्रिया जो है। इसे करने से हाथ पूरी तरह से पुष्ट मजबूत बनता है, हथेलियां सुंदर बनती है, हमारी मनोवाही नाड़ियां प्रभावित होती है और हथेली सुंदर व सुडोल बनता है। हाथ में काम करने की क्षमता का विकास होता है। ये 17 से 21 तक की क्रियाएं का लाभ था। अगली जो क्रिया है नेक्स्ट वक्षस्थल सीना। अभी हम देख रहे हैं कोरोना काल है, महामारी का बड़ा प्रकोप है पूरे दुनिया में, तो उसका प्रभाव वक्षस्थल हमारे सीने पर फेफड़ों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इस क्रिया के करने से रीढ़ तो लचीला होता है, वक्षस्थल सीना पुष्ट मजबूत होता है, फेफड़े में ऑक्सीजन अधिक से अधिक भरते हैं और उससे फेफड़ा पुष्ट मजबूत होता है। तो वक्षस्थल शक्ति विकासक क्रिया नंबर एक हम अभी करने जा रहे हैं। आप देखिए स्तंभ वाले स्थल खड़े होते हैं और दोनों हाथ को दोनों जंघों के बराबर रखते हैं, श्वास भरते हुए धीरे धीरे हाथ को पीछे की ओर लाते हैं, जितना यथा संभव ला सके उतना लाएंगे और फिर रुक जाते हैं। श्वास भर के रखते हैं, पूरा हाथ पीछे रखेंगे जितना होता है उतना, श्वास सुनते हुए वापस आएंगे जैसे थे वैसे, फिर श्वास भर के ले जाते हैं। यथासंभव उठते हैं, श्वास सुनते वापस इस क्रिया को लगभग 5 बार करते हैं। हम कमर के ऊपर वाले भाग को बोलना है, श्वास भरते हुए श्वास सुनते वापस, फिर श्वास भरते हुए लगभग कम से कम 5 या 3 बार करना चाहिए। ये अधिक से अधिक आप अपनी क्षमता के ऊपर कर सकते हैं इसका अभ्यास, क्योंकि प्रार्थना सभा में सब क्रियाएं कराने का है। बहुत सारे बच्चे एक साथ रहते हैं और सबके लिए हम गरीब कम्बल की व्यवस्था नहीं कर पाते, इसलिए हम प्रेयर के बाद 5 से 10 मिनट हम इस प्रकार की क्रियाएं अपने बच्चों को कराते हैं विद्यार्थियों को, उसके हाथ जो है पुष्ट मजबूत होता है और उनकी काम करने की क्षमता बढ़ जाता है। जिससे आप देखे हैं देख रहे हैं चेस्ट सीने के लिए लंग्स मजबूत होता है, फेफड़ों में अत्यधिक ऑक्सीजन बढ़ता है, फेफड़े का विकार दूर होता है और हमारे कमर दर्द अगर किसी के हैं तो कमर दर्द दूर होता है, रीढ़ लचीला और पुष्ट बनता है। रीढ़ जो है हमारे शरीर का बिंब है, रीढ़ जितना लचीला होगा उतना हम स्वस्थ होंगे। रीढ़ में हमारे 26 कड़ियां हैं, तो जिस प्रकार हम श्वास भरते हुए जाते हैं तो प्रत्येक कड़ी का खिंचाव पड़ता है, इससे रीढ़ में जो तनाव है दूर होता है, रीढ़ लचीला पुष्ट होता है। नेक्स्ट अगली क्रिया जो है वक्षस्थल विकासक क्रिया नंबर 2 देख लीजिए। इसमें दोनों हाथ को जंघे के बराबर बाजू रखते हैं और श्वास अंदर लेते हुए दोनों हाथों को बाजू पीछे की ओर पीठ की तरफ टालते हैं, ऊपर देखें सीना फुलाए, श्वास छोड़कर दोनों हाथों को पूर्ण अवस्था में ले जाए। इस क्रिया को 3 बार कम से कम करें, अधिक बार भी कर सकते हैं। ये भी फेफड़े के पल्स के लिए बहुत अच्छा है, चेस्ट के लिए जिनको थायराइड का प्रॉब्लम है वो भी दूर होता है और गला सुंदर सुडोल बनता है, कमर चर्बी भी कम होता है, इससे पूरे बॉडी जो है सुडोल बनता है। देख लीजिए क्रिया नंबर 23 वक्षस्थल शक्ति का क्रिया नंबर 2 सब पादोसन खड़े हैं, फिर उस प्रकार हम श्वास भरते हुए जाएंगे, हथेली को इस प्रकार से उल्टा मोड़ देंगे, कल भाग बाहर की ओर रहेगी, गर्दन को नीचे से झुकाते हैं, हाथ पूरा खींच के रखते हैं, थोड़ा सा रुकते हैं, फिर श्वास लेके वापस इस प्रकार जैसे थे वैसे आ गए।
पूरा सवाल भर करके अच्छे बोलेंगे, हाथ उल्टा मोड़ के रखना है, फिर सवाल भरते हुए वापस आएंगे, फिर सवाल भरते हुए पीछे जाएंगे, फिर वापस रिलैक्स। ये क्रिया हमने 3 बार किया, अधिक बार आप कर सकते हैं यथासंभव। विद्यार्थियों को यथासंभव जरूर बोलिए, क्रिया करते समय अत्यधिक बार ना कराएं, या जो क्षमता है जितना है विद्यार्थी कर सके, एक बार करें दो बार करें तो भी ठीक है, हमको बलपूर्वक या आदेशात्मक ढंग से इस क्रिया को नहीं कराना। बच्चे जितना कर सके उतना कराए, क्योंकि ज्यादा कराने से बच्चों को चक्कर आ सकते हैं, इसलिए क्रिया को यथासंभव कराना चाहिए। अब देखिए ये जो क्रिया आपने की है वक्ष स्थल शक्ति विकासक, उसके लाभ है, इसके करने से क्या क्या लाभ है। लाभ अत्यधिक है, इससे फेफड़ा पुष्ट बनता है और फेफड़े संबंधित रोग नष्ट होते हैं, हृदय विकार हार्ट से संबंधित बीमारियां दूर होती है, टीबी दमा कफ और खांसी आदि रोग नष्ट होते हैं। अभी आज के युग में अभी जो मौसम चल रहा है, जो बीमारियां हैं, उसके लिए इस क्रिया करने से बहुत फायदे हैं। रीढ़ की हड्डियां टेढ़ापन दूर होता है, सीना चौड़ा पुष्ट पर बनता है, सुडोल बनता है, थायराइड भी दूर होता है, इससे थायराइड की जो प्रॉब्लम है उनको, थायराइड ग्रंथि बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होता है, कोई लंबा हो जाता है, कोई ठिकना हो जाता है, तो इस प्रकार क्रिया करने से हमारे थायराइड ग्रंथि को भी प्रभावित करता है और हम हमारे शरीर पूरे भाग रीढ़ से संचालित होती है, रीढ़ की प्रत्येक रीढ़ से सारी नसें जो है संचालित होती है। रीढ़ हमारा जितना लचीला होगा, जितना सुदृढ़ होगा, उतना हम स्वस्थ होंगे। रीढ़ हमारे शरीर का बिंब है, जिस प्रकार मकान बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसकी मजबूती के लिए बिंब तैयार करते हैं, उसके ऊपर भवन बनता है, तो ठीक इसी प्रकार ये वक्ष स्थल शक्ति विकासक क्रिया करने से रीढ़ में खिंचाव होता है, रीढ़ में खिंचाव होने से रीढ़ में रक्त संचार बढ़ जाता है और रक्त संचार बढ़ने से वह पुष्ट मजबूत होता है। हमारे विद्यार्थी बैठ करके काफी समय तक 2-3 घंटा बैठ करके सिर झुकाकर क्रिया करते रहते हैं, ऐसे करने से उनके रीढ़ में जो खिंचाव होता है ये क्रिया करने से दूर हो जाता है और रीढ़ पूरी तरह से स्वस्थ होता है। अगली मैं इसी को रिपीट कर रहा हूँ, अभी जो हमने क्रियाएं किए एक बार हम उसको फिर से आपको बताते हैं ताकि आप याददाश्त अच्छे से हो जाए। मैं फिर से क्रिया 17 से लेकर आगे क्रिया जो बता रहा हूँ एक बार रिपीट कर देते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए, समपादासन खड़े होकर मणिबंध इस प्रकार हाथ को सामने रखते हैं, फिर एक बार देखें सांस होते हुए ऐसे मुट्ठी नीचे ऊपर करते हैं। सारी क्रियाएं आपके भाग 2 योग शिक्षा किताब में उल्लेखित है, पांच होते में इस प्रकार, फिर भाग 2 ख इस प्रकार नीचे ऊपर करते हैं मणि को, उसको बोलते हैं मणिबल, पांच होते नीचे पांच नीचे ऊपर इस प्रकार, यह समान ताकि अच्छे से आपको याद हो जाए, इसलिए पूरा हम एक बार रिपीट कर देते हैं। नेक्स्ट अगली क्रिया जो है कर पृष्ठ शक्ति विकास है, इसको बोलते हैं पृष्ठ भाग, मैंने बताया सामने वाला जो भाग है पृष्ठ है, ये तल भाग है, इसे करने से यहाँ की मांसपेशियां जो है सुंदर शुरू होता है, हाथ में काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, तो कर पृष्ठ शक्ति विकास करने के लिए हाथ को सटा सकते हैं, सांस होते नीचे पूरी ताकत के साथ नीचे लाते हैं तो पृष्ठ भाग में तनाव पड़ता है, सांस लेते ऊपर, फिर इसको इस प्रकार भाग था
रिलैक्स, लाभ भी उसी प्रकार है, अभी आपको बताया गया, दोनों क्रिया करने से पृष्ठ भाग और तल भाग दोनों जो है पुष्ट मजबूत होता है, हथेली सुंदर सुगोल बनता है, हाथों में काम करने की क्षमता बढ़ जाता है। नेक्स्ट अगली जो क्रिया है पुनः हम बता रहे हैं, क्रिया नंबर 19 करतल शक्ति, इसको तल भाग बोलते हैं। अब इसमें उंगलियां फैला कर करेंगे इसी क्रिया को, तल भाग में तनाव होगी, पृष्ठ भाग में सटा के करते हैं और तल भाग में उंगलियां फैला कर। उंगली पूरा फैला कर रखते हैं, फिर जब समानांतर रखते हैं भुजा के बराबर, रिलैक्स, कर तल और कर पृष्ठ शक्ति विकासक, क्रिया नंबर 19 है। अगली क्रिया है क्रिया नंबर 20, दोनों की अभी किए वही भाग है, अगली क्रिया 20 आएगी, अंगली मूल शक्ति विकासक, जो हमारे रूट है जड़ है उंगलियों के उसको हिलाते हैं, इसमें हाथ सीधा रखते हैं उसके बाद उंगली किस प्रकार से हिलाते हैं, ये भाग विचित्र दिखा रहा है, इस प्रकार भाग है ऐसे हिलाते हैं, यहाँ पे उंगली ग्रुप को हिलाते हैं जड़ को, रिलैक्स। हम लोग देखे हैं टीवी दिखाता है अंधेरा काम ऐसे उंगली हिलाते हैं ना, उसी प्रकार के लिए रूप को हिलाना है ना। क्लियर नंबर ये थी खा, उसके बाद खा के बाद खा, देखिए सांस छोड़ते हुए उंगली शक्ति का पूरी ताकत के साथ ऊपर नीचे मुड़ेंगे, ये ऐसे है इस प्रकार है, रिलैक्स। क्रिया नंबर 21 था, अगली क्रिया है क्रिया नंबर 17 से 21 तक की क्रियाएं जो है हमारे हाथ के लिए थी, ये सब टोटल जो क्रिया है हाथ के लिए है, हाथ के साथ साथ हमारे नसों में जो खिंचाव होता है तनाव होता है उससे हाथ में काम करने की क्षमता बढ़ जाता है, इसका अभ्यास विद्यार्थियों सैनिकों के लिए अच्छा बताया गया है, इसलिए हमको ये क्रिया जो है विद्यार्थियों को प्रार्थना सभा में कराना चाहिए। अगली क्रिया जो है वक्षस्थल, वक्षस्थल वक्ष सीना सीने के लिए है, आप देख रहे हैं चित्र में जैसे कि दिखाया गया है कमर के ऊपर वाले भाग को श्वास भरते हुए पीछे की ओर ले जाते हैं, ऐसे करने से रीढ़ में खिंचाव होता है, वक्षस्थल पर फेफड़ों पर बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है, एक बार फिर से कर लेते हैं इसे, चलिए श्वास वापस आएंगे एक बार करते हैं दोबारा करेंगे, क्लियर दो बार रिपीट हो रही ताकि आप ठीक जाए अच्छे से, लास्ट ये वक्षस्थल शक्ति विकासक क्रिया नंबर 1 था, इसकी दो क्रियाएं हैं आपने देखे, इस क्रिया के करने से जो लाभ है एक साथ में पूरे क्रिया बताऊंगा, फिर हम क्रिया नंबर 2 करते हैं, सेम उसी प्रकार संपादक सब आते हैं श्वास भरकर हाथ को
ऊपर भी ले जाएंगे और हाथ को पकड़ लेते हैं, तल भाग बाहरी रूप रहेगी, झुकना है, उंगलियां पूरा तनाव में रहेगी, शोल्डर पूरा खिंचाव में, फिर श्वास लेते वापस आएंगे, हाथ ले जाते हैं। लास्ट एक बार रिलैक्स। अब उनके लाभ के बारे में फिर से चर्चा कर ले हम दोनों। व्यायाम जो है लाभ आपको पूर्व में बताया गया था, अभी भी हम लाभ है उसको फिर से बता रहा हूं। इससे फेफड़ा पुष्ट होता है, हमारे लंग्स मजबूत होता है, ऑक्सीजन भरने की क्षमता बढ़ता है। अब जब फेफड़े पुष्ट होंगे तो हृदय भी पुष्ट होता है, हृदय रोग नहीं होंगे, दमा या टीबी के जो रोग होते हैं, कफ खांसी ये भी नहीं होंगे, और थायराइड से संबंधित विकार नहीं होगा। रीढ़ में टेढ़ापन है तो ठीक होगा, सीना पुष्ट व मजबूत बनता है। इन दोनों क्रियाओं करने से हमारे टोटल शरीर का पूरा एक प्रकार से व्यायाम हो जाता है। रीढ़ का व्यायाम हो गया है, शरीर के बहुत सारे अंग इससे प्रभावित होता है। रीढ़ जितना लचीला होगा, पुष्ट होगा, उतने हम स्वस्थ मजबूत होंगे। अगली जो क्रिया है हम नेक्स्ट जो क्लास में उसमें बताएंगे, उदर की क्रिया है। इसके पहले और कुछ बताएं, मैं हाँ नहीं, और मैं कुछ अगली वाली क्रिया जो करना है उससे संबंधित बता रहा हूँ। बच्चों को हम स्कूल में जब जाते हैं, सूक्ष्म अगले क्लास में बताएंगे, कुछ मैं हट करके कुछ क्रियाएं बता रहा हूँ। जैसे हम शिक्षक हैं, विद्यार्थी स्कूल में हम जाते हैं, क्लास में हम सोचते हैं कि कैसे हम योग इनको बताए। योग तो खाली पेट किया जाता है, और ये बच्चे को खाना खा के आए हैं, कैसे सिखाएं? ऐसे भी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ क्रियाएं जो हम आराम से सिखा सकते हैं। जैसे आप क्लास में जाते हो, क्लास में गए, बच्चे हल्ला कर रहे हैं, हम सबसे पहले बच्चों को जाकर के एक बार बैठ जाते हैं, बच्चे अपने अपने जगह में, फिर हम बच्चे टेबल या कुर्सी पे बैठे हैं तो उनको कहिए समपादासन खड़े हों, रीढ़ सीधा रखें, हाथ इस प्रकार, तीन मुद्रा है, एक ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, कोई भी मुद्रा अपनाने बोलिए, बच्चे रीढ़ सीधा रखेंगे और पूरा ध्यान शरीर पर श्वास पर बनाए रखेंगे। फिर एक बार हम ओम को उच्चारण करा सकते हैं लंबी गहरी श्वास के साथ, जब हम क्लास प्रारंभ करते हैं उसके पूर्व इस प्रकार कुछ क्रियाएं या करवा करके हम बच्चों के मन में एक प्रकार से उनकी सजगता को बढ़ा सकते हैं। अगर ओम को उच्चारण ना करें तो आप नाद ध्वनि भी कर सकते हैं। नाद ध्वनि का मतलब होता है आप मन में गुंजन कर सकते हैं, इसे नाद ध्वनि कहते हैं। इससे हमारे मस्तिष्क के जो जुड़ान है एक्टिवेट होता है ऐसे करने से, और बच्चे जो है फिर उनका ध्यान शिक्षा की ओर, पढ़ाई की ओर लग जाता है। बहुत ज़्यादा हल्ला कर रहे हैं, आप क्लास में गए, बच्चे हल्ला कर रहे हैं, तो क्या करें? बच्चों के तीन प्रकार की दृष्टियाँ, पहले दृष्टि है सम दृष्टि, हम जो सामने देख रहे हैं इसको बोलते हैं सम दृष्टि। इस प्रकार देखते हैं, सामने देख रहे हैं, चलो सम दृष्टि अपनाइए, तो बच्चे सब ध्यान से सामने समदृष्टि सामने देखते हैं।
एक टक, इसे सम दृष्टि कहते हैं। तीन प्रकार की दृष्टियों का वो उल्लेख है। उसके बाद भ्रूमध्य दृष्टि। चलो भाई सब बच्चे अपने भ्रूमध्य में देखें, आईब्रो सेंटर तिलक के बिंदु लगाते स्थान पर देखें, तो बच्चे शांत हो जाएंगे, अपने ऊपर देखेंगे भ्रूमध्य में तिलक या बिंदु लगाते स्थान पर देखना है। धीरे से सिर को नीचे ले आते हैं, आंख खोल लेते हैं, ऐसा करने से उसको बोलते हैं भ्रूमध्य दृष्टि। बच्चे कुछ समय के लिए उनको काम मिल जाता है, मन को काम चाहिए और मन में काम लग जाता है तो ऑटोमेटिक शरीर से विचार दूर हो जाता है और बच्चे हमारे पढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद है नासाग्र दृष्टि, नाक के अग्रभाग को देखना। हम क्या करते हहैं, संपाद रीढ़ सीधा रखते हैं, हमारे नाक के अग्रभाग को हम देखते हैं, इसे नासाग्र दृष्टि कहते हैं। इससे भी बच्चों का मन शांत हो जाता है। हल्ला कर रहे तो चुप रहो, हल्ला मत करो, ऐसा न भूल करके हम इस प्रकार उसको काम में लगा देंगे तो वो कुछ समय के लिए उनका मन, चंचल मन जो है, शांत हो जाता है और हम अपने विषय पर आ सकते हैं। तो छोटी छोटी क्रियाएं हैं जो हम इसे बच्चों में करवा करके उनके बौद्धिक विकास कर सकते हैं। अगली जो क्रिया है मैं बताना चाह रहा हूँ, बच्चों की बहुत आवश्यक है, जरूरी है, भ्रामरी। भ्रामरी प्राणायाम होता है, इसको करने से मस्तिष्क की जो इंटरनल जो सिस्टम है, सारे तंत्र है, एक्टिवेट होता है, याददाश्त बढ़ती है, अनिद्रा तनाव टेंशन दूर होता है। इसलिए भ्रामरी प्राणायाम को बच्चों को जरूर करवाना चाहिए और बच्चे सबको ही करना चाहिए। प्रतिदिन इसके अभ्यास करने से याददाश्त बढ़ती है और मानसिक तनाव, मन से संबंधित, मस्तिष्क संबंधित समस्त व्याधियां दूर होती है, हमारी ज्ञानेन्द्रिया का विकास होता है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। इस करने के लिए मैं भ्रामरी प्राणायाम बता दे रहा हूँ, आप सब देख लीजिए। इस प्रकार अंगूठे से कान बंद करेंगे, दूसरी उंगली से नेत्र, तीसरी उंगली नासिका के पास रखेंगे और पूरा डांट कर देते हैं, फिर सांस भरेंगे और नाक से गुंजन करते हुए सांस को छोड़ना है। ये स्टार्ट करते हैं, मैंने एक बार करके बताया, आप बच्चों को पांच बार कम से कम करा सकते हैं, अधिक यथा संभव बोलिए, ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन जब प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, भ्रामरी प्राणायाम का, तो बाहर की कोई आवाज़ नहीं सुनना है, अपने अंदर जो आवाज़ हो रही है उसको सुनना है और जानना है। तो मस्तिष्क में जो तरंग उत्पन्न होती है उसको महसूस करना है, कहाँ से उत्पन्न हो रही है। ऐसा बार बार आप जब अभ्यास करते हो तो मस्तिष्क की याददाश्त क्षमता बढ़ता है। तो हम इस प्रकार भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कराकर विद्यार्थियों को उनकी मेमोरी पावर को, उनकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। मैं कुछ और चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ, योग शिक्षा से जुड़े हुए चीज़ हैं। हमारे विद्यार्थी आज के समय में जो अपने डाइट भोजन है उस पर हमको ध्यान देना उसे जरूर रहता है। हमारे योग में तीन प्रकार डाइट का उल्लेख किया गया है, एक इंसान का रसोई, दूसरा भगवान की रसोई, तीसरा शैतान की रसोई। इंसान की रसोई वो है जो हमारे घर में हमारी माताएं बनाती है, हम खाते हैं, कई बच्चे खाते हैं, हम सब खाते हैं, ये इंसान की रसोई है। दूसरा है भगवान की रसोई। भगवान की रसोई वो है जो हम नहीं बनाते, घर में नहीं बनता, नेचर से मिलता है, प्रकृति से, जब सभी फल फ्रूट सब्जियां मेवा जितने भी प्रकार की वस्तुएँ प्रकृति से मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है, सब क्या है, भगवान की रसोई का भोजन है, इसे खाना चाहिए। और इंसान की रसोई घर में जो बनता है उसे भी खाना चाहिए। अब हम आते हैं तीसरी रसोई है शैतान की रसोई। वो क्या रसोई है, जो हम ना घर में बनाते हैं
न प्रकृति से मिलता है। बाहर के लोग जो बनाते हैं जैसे लेस, कुरकुरे, बिस्किट, चिप्स, आज आप बच्चे लोग जो है इस प्रकार की चीज़ों का सेवन करते हैं, ये बहुत ही नुकसानदायक है। इससे हमारे शरीर का, पेट का बहुत सारे नुकसान निश्चित होता है और पेट खराब हो जाता है। पेट ही सारे बीमारियों का जड़ है, तो हम पेट को ठीक रखने के लिए इस प्रकार आहार ना लें। मैं सभी छात्र छात्राओं से ये संदेश है कि आप लोग भोजन में अपना मृत भोजन, अमृत भोजन, तो मृत भोजन वो है जो पका के खाते हैं, अमृत भोजन वो है जो कच्चे खाते हैं, तो अपने डाइट में आप कम से कम 25% कच्चे चीज़ों का उपयोग करें। इसका उपयोग करोगे तो आप देखेंगे उसमें जो पानी है, आप एक समोसा खा लीजिए और एक संतरा खा लीजिए, संतरा खाएंगे उसका प्रभाव आपके शरीर में तुरंत ही आपको महसूस होने लगेगा, लेकिन आप एक समोसा खाएं तो एक प्रोसेस में पचेगी वो, फिर कितना उसमें विटामिन मिलेगा, क्या मिलेगा वो आप कुछ समझ में आएगा आपको। तो हमको ऐसे आहार लेना चाहिए जो मल अवरोध ना हो, शरीर को पुष्ट और बलिष्ठ देने वाला हो, पेट को डस्टबिन ना बनाए, हमारा जो आहार है शुद्ध और पौष्टिक ले सकते हैं चाहे तो, लेकिन हम जानबूझकर इस प्रकार चीज़ों का उपयोग ना करें। मैं इसीलिए सभी छात्र छात्राओं से ये संदेश है, ये निवेदन है कि हमारे आहार में जो भी पालक है लाते हैं, कुरकुरे, लेस, बिस्किट, जो ज़्यादा टिकेगा बाहर वो अंदर भी टिकेगा, जो बाहर जल्दी सड़ने वाला है, जल्दी खराब होने वाला है, वो अंदर जल्दी पचने वाला है। तो इसलिए हम जो आहार लें बाहर में, जो जैसे जितना भी फल फ्रूट ले लीजिए जल्दी पच बाहर में खराब हो जाता है, ऐसी चीज़ अपन खाते तो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगी, लेकिन आप मिक्सचर, बिस्किट, टोस्ट, होटल की चीज़ें जो खाते हैं वो ज़्यादा दिन तक टिकाऊ रहता है, वो खराब नहीं होता, वो अंदर में भी जाकर टिकाऊ बन जाता है, पेट को खराब करता है और हमारा पेट खराब होने से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे सभी विद्यार्थी जो है अपने आहार में इस प्रकार भोजन का उपयोग ना करें, क्योंकि जब भोजन आप अच्छे लोगे, अच्छे भोजन करेंगे तो मन भी अच्छा होगा, अब मन अच्छा होगा, अच्छा भोजन करेंगे तो तन अच्छा होगा, और तन अच्छा होगा तो मन भी अच्छा होगा, और मन अच्छा होगा तो आपका पढ़ाई लिखाई मन लगेगा, और पढ़ाई लिखाई मन लगेगा तो आपका लक्ष्य जो है चाह रहे हैं आप प्राप्त करना, वो आप प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए सभी विद्यार्थियों से ये आग्रह है कि वे इस प्रकार के डाइट न लें। प्रातः का जागरण ब्रह्म मुहूर्त में हो, ऐसे विद्यार्थियों को निर्देश है। सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, प्राकृतिक नियमों का पालन करना चाहिए। प्रकृति में देखे हैं सभी जीव जंतु जो है प्रातः सूर्योदय के साथ साथ उठ जाते हैं, लेकिन हम लोग, हमारी दिनचर्या ऐसी है कि हम नहीं उठ पाते, देर से उठते हैं, देर से सोते हैं, तो जल्दी सोना, जल्दी उठना, ये हमारे धर्म होना चाहिए विद्यार्थियों का। तो मैं इस प्रकार कुछ संदेश आपको दिया और अगली क्लास में फिर से हम उदर से संबंधित सूक्ष्मयाम क्रियाएँ बताएंगे। ये सूक्ष्मयाम की क्रियाएँ जो है 48 क्रियाएँ हैं, सिर से लेकर पाँव तक की। अभी आपने 27 तक की क्रियाएँ आप ये हैं, अगली क्रिया जो है अगले क्लास में हम बताएंगे। इसके लिए बाद आप मन में जो अगली अभ्यास होगा उसमें जो जिज्ञासा होगी उसको दूर किया जाएगा। ठीक है, आप सबको नमस्कार। मैं CRT बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे योग शिक्षा के लिए यहाँ प्रस्तुत किया। बहुत आभारी हूँ मैं CRT का, यहाँ संबंधित जो अधिकारियों का, सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।